मार्केट में काफी गिरावट चल रही है, लोग काफी परेशान हैं, सबके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है काफी कम हो गई है, शेयर प्राइस डाउन हो रहे हैं, तो क्या हम अपने पोर्टफोलियो को इस मार्केट में जो फॉल आ रहा है उससे बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं उस पर हमारे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं इन्वेस्टर के लिए करने वाला हूँ, ट्रेडर के लिए नहीं करने वाला हूँ। इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय तक रखना चाहता है, वो स्टॉक को लंबे समय तक रखता है बड़े प्रॉफिट के लिए, और जब तक उसे लगता नहीं है कि स्टॉक जो है अपने फेयरली वैल्यूड या ओवर वैल्यूड लेवल पर नहीं आया तब तक वो सेल नहीं करता। तो मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो होते रहते हैं, दुनिया भर में जो भी उथल पुथल हो रही है उसके कारण भी होते रहते हैं, जबकि उस कंपनी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ होता है, अपने देश की इकोनॉमी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ होता है, फिर भी स्टॉक प्राइस नीचे जा सकते हैं। तो उस पोजीशन पे स्टॉक को बेचना जो है अकलमंदी नहीं होती है। तो हम कैसे अपने स्टॉक को, अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं? तो बचाने के लिए हम अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई इंश्योरेंस तो हमने गाड़ियों का सुना है, हेल्थ इंश्योरेंस सुना है, लाइफ इंश्योरेंस, ये पोर्टफोलियो इंश्योरेंस क्या चीज होती है? तो पोर्टफोलियो को आप इंश्योरेंस एक पुट ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन जब आप लेते हैं किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, जब उस अंडरलाइंग एसेट की, स्टॉक की या इंडेक्स की वैल्यू गिरती है तब उस पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है। यानी अगर मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और आप जो है उसके इंश्योरेंस पे खर्च करने के लिए 10,000 रुपए या 5,000 रुपए खर्च करते हैं, वो खर्चा क्या होगा? पुट ऑप्शन पर आप पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो क्या होगा? तो जब भी मार्केट में गिरावट होगी तो ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होगी, 2 लाख से हो सकता है 1,80,000 हो जाए, 1,90,000 हो जाए या 1,70,000 हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिपेंड करता है कि कितनी गिरावट होती, तब इन पुट ऑप्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो ये बढ़ेगी, यहाँ की जो घटना घट रहा है जितना, उतना तो नहीं पर काफी हद तक ये चीज आपकी कवर कर देगी जितना आपका लॉस होने वाला है। तो अब मान लीजिए आपने ये भी ले लिया और ये भी आप मेंटेन कर रखे हैं, मार्केट यहाँ से गिरता नहीं है तो क्या होगा? तो गिरता नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पे आपका लॉस जो है बड़ा छोटा सा होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, तो ओवरऑल आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये पुट ऑप्शन जो है आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देंगे। तो जब भी मार्केट में अच्छी गिरावट हो जाएगी, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू घट चुकी होगी, तब यहाँ वैल्यू आपके पुट ऑप्शन की काफी बढ़ चुकी होगी और फिर आप पुट ऑप्शन को बेच के यहाँ पैसा रीइन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो जो फ्यूचर में आपको और बड़ी एप्रिसिएशन देगा। तो ये तो हो गई पुट ऑप्शन से इंश्योरेंस करने के बाद, पर इंश्योरेंस कब लेना है ये भी जरूरी चीज है। मान लीजिए 7,500 पे निफ्टी है और ये बढ़ के 8,000 हो गया है, 500 पॉइंट की तेजी हो गई है, आपकी ये तेजी आपके पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट होगी, तब 8,000 पॉइंट पर आपका पुट ऑप्शन लेना, इंश्योरेंस लेना सही है। पर 8,000 से मार्केट 7,500 गिर चुका है तब जो है पुट ऑप्शन नहीं लेना है, तब इसलिए नहीं लेना क्योंकि मार्केट वैसे ही 500 पॉइंट गिर चुका है, फिर यहाँ पे फर्दर गिरावट की चांसेस जो है कम होती जाती है, बाउंस की चांसेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आपको इंश्योरेंस कब लेना है? जब बाजार में तेजी चल रही हो, मार्केट टॉप पे हो। एक अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं तो जब भी RSI इंडिकेटर या स्टोकेस्टिक इंडिकेटर डेली या वीकली चार्ट में ओवरबॉट हो जाए तब आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं इंश्योरेंस करने के लिए। दूसरी बात तो आपको समझ में आ गया इंश्योरेंस कब लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि किस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। लोग इधर ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपका क्या है कि पुट ऑप्शन जो है अगर उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे वैल्यू नहीं रहती है इंडेक्स की तो वो जीरो हो जाता है। तो अगर आप दूर के पुट ऑप्शन ले लेते हैं जो कि सस्ते होते हैं वो ले लेते हैं तो वो आपका इंश्योरेंस का काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट अगर वहीं पे रहा या वो छोटी भी गिरावट आई तो आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उस चीज का इंश्योरेंस वाला जो जिस उद्देश्य के लिए हम ले रहे हैं वो होगा ही नहीं पूरा। तो आपको पुट ऑप्शन हमेशा एट द मनी या इन द मनी वाला ही लेना है, कभी भी
आउट द मनी पुट ऑप्शन नहीं लेना है इंश्योरेंस के लिए। आउट द मनी लेंगे तो आपका इंश्योरेंस वाला उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इन द मनी आउट द मनी ये क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो जब भी आपके बाजार मार्केट में अच्छी तेजी हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा ऊपर हो, तब आपको एट द मनी या इन द मनी पुट ऑप्शन ले लेना चाहिए। और वहां से अगर बाजार में गिरावट आती है तो ये पुट ऑप्शन की जो बढ़त है वो आपके पोर्टफोलियो के लॉस को कम कर देगी, या आपने सफिशियंट क्वांटिटी में लिया तो खत्म भी कर देगी, और यही पैसा बाद में आप इसमें रीइन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को फर्दर बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर कीजिए और मार्केट की गिरावट में टेंशन फ्री रहिए। और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम इस इंश्योरेंस का कॉस्ट भी फ्री कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 8,000 पे चल रहा है, तब आपने पुट ऑप्शन लिया 8,000 की ही स्ट्राइक प्राइस का, मान लेते हैं करीब 100 रुपए पे लिया आपने, तो यहां से मार्केट गिर के 7,800 हो गया, और ये आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू यहां से मान लीजिए 250 रुपये हो गई। तो ये जो प्रॉफिट आपका बना है कितना, 150 पॉइंट का, अब आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब 8,500 का 7,800 पे निफ्टी चल रहा है, आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है 150 पॉइंट का, तब आप इसको सेल कर दीजिए और 7,800 का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, जो आपको मिल जाएगा करीब 100 रुपये के आसपास या थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे तो मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है वो कम हो गया, एक तरह से फ्री हो गया, और आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है और आपका खर्चा भी नहीं हो रहा है। तो ये दोनों काम यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं जितनी भी गिरावट है, और आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो इसको अपनाइए। लोग गलती क्या करते हैं, वो ऑप्शंस को जो है वो ट्रेडिंग टूल समझते हैं, इससे भी पैसा बनाने की सोचते हैं, पर ये ट्रेडिंग टूल नहीं है, ये हेजिंग टूल है। तो इनको आप हेजिंग के लिए ही इस्तेमाल कीजिए, एक सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो भी प्रोटेक्टेड रहेगा और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे।